अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जो हदीस पाक मैं आप लोग के सामने बयान करने जा रहा हूँ, इसे सुनने और देखने में हम सब की कामयाबी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग लड़ाई में जब खैबर को फतह कर चुके तो लोगों ने अपने माल गनीमत को निकाला जिसमें मुतफर्रिक सामान था और कैदी थे, और ख़रीद फरोख्त शुरू हो गई कि हर शख्स अपनी ज़रूरियात ख़रीदने लगा और दूसरी ज़ायद चीज़ें फरोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफ़ा हुआ कि सारी जमात में से किसी को भी इतना नफ़ा नहीं मिल सका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सामान ख़रीदता रहा और बेचता रहा जिसमें 300 ओकिया चांदी नफ़ा में बची। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा की चीज़ बताऊं? उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताए। इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद 2 रकात नफल। फ़ायदे में लिखा है, एक ओकिया 40 दिरहम का होता है और एक दिरहम तकरीबन 4 आने का, तो इस हिसाब से 3000 रुपया हुआ, जिसके मुकाबले में 2 जहान के बादशाह का इरशाद है कि ये क्या नफ़ा हो हुआ। हकीकी नफ़ा वो है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला और कभी ना ख़त्म होने वाला है। अगर हकीकत में हम लोगों के ईमान ऐसे ही हो जाए और 2 रकात नमाज के मुकाबले में 3000 रुपये की वक़ात न रहे, तो फिर वाकई ज़िंदगी का लुत्फ से, और हक ये है कि नमाज है ही ऐसी दौलत। इसी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर फ़ख्र रसूल ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बतलाई है और विसाल के वक्त आखिरी वसीयत जो फरमाई है उसमें नमाज के इहतमाम का हुक्म फरमाया है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।